कीर्ति परोहा, कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, इसके पहले हमने मेंडल के नियम, मेंडलवाद से विचलन पढ़ा और उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल एलील्स अर्थात बहुविकल्पी और उसी से संबंधित रक्त समूह वंशानुक्रम। तो चलिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं। बहु एलील अथवा बहुविकल्पी, अभी तक हमने पढ़ा मेंडल के हिसाब से एक ही जीन के दो एलील होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। लेकिन अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया बहु एलील अथवा बहुविकल्पी। मेंडल के सिद्धांत के अनुसार एक जीन में दो युग्म विकल्पी पाए जाते हैं, अर्थात प्रत्येक जीन कारक के दो विकल्पी रूप होते हैं जिसमें एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। जैसे इसको ऐसे समझे कि जैसे हमने लंबाई का जीन लिया, पौधों में लंबाई का जीन, तो इसमें हम कैपिटल टी ले लिए माने लंबा, और स्मॉल टी किसको प्रदर्शित करता है, बौने पौधे को। अर्थात एक जीन के दो विकल्पी हैं, इसको एलील कहा जाता है। तो प्रायः देखा गया है अधिकतर उसमें कि एक ही जीन के दो विकल्पी होते हैं जिसमें से एक होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इसमें और खोज होती गई, लोगों को सिद्धांत, नए नए नियम पता चले, तो अनेक उदाहरण में एक जीन के अनेक विकल्प ज्ञात हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां पर एक जीन के अनेक विकल्प हैं। इस दशा को बहुविकल्पकता तथा उस जीन के अनेक विकल्प को बहुविकल्पी कहते हैं। बहुविकल्पी की सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी अगर दो नंबर में पूछी जाए, तो एक जीन के अनेक विकल्प मौजूद होते हैं उस अवस्था को बहुविकल्पी कहते हैं और उस जीन को बहुविकल्पी जीन कहा जाता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? अब हम आपको एग्जाम में पूछने आते हैं इसके उदाहरण कि बहुविकल्पी जीन के उदाहरण बताइए। राइट द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। इसके उदाहरण है पहला रक्त समूह हो गया, दूसरा हो गया कोट कलर ऑफ रैबिट यानी खरगोशों की जो त्वचा का रंग होता है कैसा होता है, एकदम व्हाइट या एकदम ब्लैक नहीं होगा, उसके बीच में भी कई शेड्स रहते हैं। आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर जो है उसमें जो आई का कलर होता है वो इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है सेल्फ, फोर्थ नंबर का है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो अनुर्वरता होती है वो भी ये मल्टीपल एलील्स के कारण होती है। मल्टीपल एलील की विशेषताएं, बहुविकल्पी सदैव गुणसूत्र में एक ही बिंदु पथ पर, एक ही लोकस पर उपस्थित होते हैं। आप कैसे, जैसे मान लीजिए ये गुणसूत्र है और इसमें हमेशा जब मौजूद होंगे तो एक ही स्थान पर, ये लोकेशन है, एक ही लोकेशन है, एक ही लोकस पर उपस्थित होंगे। इनमें आपस में किसी भी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। बहुविकल्पियों की उत्पत्ति एक समान तथा एक ही जीन से होती है, अर्थात बहुविकल्पी जो होते हैं वो हमेशा एक ही प्रकार के लक्षण को प्रभावित करते हैं। सामान्य अथवा वन्य प्रकार का युग्म विकल्पी हमेशा प्रभावी होता है अगर ये समयुग्मजी अवस्था में होंगे। बहुविकल्पियों की संपूर्ण श्रृंखला एक ही मूल अक्षर के द्वारा निरूपित की जाती है तथा विभिन्न विकल्पियों को पदांकों के द्वारा दर्शाया जाता है। आगुणित युग्मकों में समजात गुणसूत्रों में केवल एक ही गुणसूत्र उपस्थित होता है और इस गुणसूत्र में केवल एक ही युग्म विकल्पी उपस्थित होता है। इस चीज को समझो, हमने कहा मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील मतलब एक ही एलील, मतलब एक ही जीन में कई प्रकार के उसमें विकल्प उपस्थित हो गए, ए बी सी डी चार प्रकार के हैं। लेकिन जब भी संतान में या जनरेशन में जाएंगे तो दो ही जाएंगे, तीसरा नहीं जाएगा। तो इसमें यही बोला है कि एक में और एक गुणसूत्र में केवल एक ही एलील उपस्थित होगा। इसमें हमको ये चीज समझना है, भले ही चार प्रकार के विकल्प हों लेकिन जब गुणसूत्रों में जाएंगे तो या तो वो दो प्रकार के और या वो केवल हेटरोगेमस कंडीशन में और आइसोगेमस कंडीशन में एक ही प्रकार के एलील उपस्थित होंगे। हम मल्टीपल एलील के इसमें समझेंगे रक्त समूह का वंशानुक्रमण, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। जो मनुष्य में रक्त हैं आप सबको मालूम है रक्त समूह ए बी, ए बी और ओ, चार प्रकार के रक्त समूह होते हैं। लेकिन
मैन जो तीन उसके मल्टीपल एलील हैं वो है ए बी और ओ। तो मनुष्यों में रक्त समूह की वंशावृत्ति सहप्रभाविता और बहु एलील बहुविकल्पी का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। रक्त समूह की जो वंशावृत्ति है वो कैसे होगी बच्चों? जनकों से अर्थात पेरेंट्स से प्राप्त होने वाले जीन्स पर निर्भर करती है। ये तो हमको अच्छे से पता है। अब जो मनुष्य में रक्त समूह का जो निर्धारण होता है उसका एक जीन होता है जिसको डिनोट करते हैं आई अक्षर से। और आई किसको दिखाता है? आइसोहीमोग्लूटिनोजन। आइसोहीमोग्लूटिनोजन का जो प्रथम अक्षर आई है अपन ने उसमें उस जीन को डिनोट कर दिया कि रक्त समूह का निर्धारण जीन आई के द्वारा हो रहा। अब मनुष्यों में लाल रुधिर रेड ब्लड सेल्स की कोशिका की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के निर्माण के लिए यही जीन उत्तरदायी होता है। इस जीन के तीन एलील होते हैं, ये वाले आपको नहीं लिखना, यहाँ जो लिखे हैं मैंने नीचे वो ध्यान दो, आई ए आई बी और आई ओ। अर्थात एक में ए एंटीजन, एक जीन में बी एंटीजन और तीसरे में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता। तो ये तीन एलील अर्थात ये मल्टीपल एलील उसके हो गए। अब देखते हैं आगे बच्चों, जो ब्लड ग्रुप की वंशानुक्रमण है उसका आपको जीनोटाइप फीनोटाइप और जीन की प्रकृति एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। और आपको ऐसे बहुत सारे क्रॉस दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसका फलाने एंटीजन या उससे क्रॉस होगा तो कौन सा हमको फीनोटाइप या जीनोटाइप प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं, अपन इसको समझेंगे। इस जो हमने आपके सामने ये चार्ट बनाया है, इस चार्ट से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। और इससे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो आएंगे वो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, जो 1 मार्क्स के या मैच द कॉलम या फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछ सकते हैं। कभी कभी ये पूरा चार्ट ही बनाने को आ सकता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो देखते हैं हम, यदि मान लीजिए जीनोटाइप माता पिता से प्राप्त जीनोटाइप कौन सा हो गया? आई ए आई ए, मतलब आई ए आया पिता से और आई ए भी आ गया माता से। तो क्या होगा, कौन सा ब्लड रक्त ग्रुप कौन सा बनेगा, रक्त समूह कौन सा बनेगा? ए बनेगा, क्योंकि प्रभावी है ये ए। तो ये कैसा कंडीशन कहलाई? अब इसकी जीन की प्रकृति कैसी कहलाई? समयुग्मजी, अर्थात आइसो दोनों में एक सा है इसलिए ये समयुग्मजी प्रकृति और डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हमने देखा कि माता या पिता से आया आई ए और दूसरे किसी पेरेंट से आया आई ओ, तो अब इसमें जो प्रकृति है चूंकि ए प्रभावी है तो रक्त समूह बनेगा एक ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कौन सा बना? ए। लेकिन अब ये कैसी अवस्था में आ गया, जीन की प्रकृति कैसी हो गई? अलग अलग हो गए, तो प्रकृति हो गई विषमयुग्मजी। नेक्स्ट इसी प्रकार का सेम कॉम्बिनेशन हमने देखा ब्लड ग्रुप बी के साथ, माय पेरेंट्स से आया आई बी और आई बी नेचुरली ब्लड ग्रुप बन जाएगा, फिनोटाइप बन जाएगा ब्लड ग्रुप बी जो कि होगा प्रभावी। और कैसी जीन की प्रकृति कैसी होगी इसकी? समयुग्मजी, जो कि प्रभाविता शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जैसा कि ए के साथ बना उसी प्रकार बी में भी देखें, आई बी एक पेरेंट से आया और दूसरे पेरेंट से आया आई ओ, तो कॉम्बिनेशन बना बी ब्लड ग्रुप, लेकिन जीन की प्रकृति कैसी हो गई? विषमयुग्मजी हो गई। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हम देखेंगे, किसी एक पेरेंट से मिला हमको आई ए और किसी दूसरे पेरेंट से मिला हमको आई बी, तो ये आई ए और आई बी अब इसमें से ना कोई प्रभावी है ना कोई अप्रभावी, दोनों ही प्रभावी हैं, तो ये क्या हो गए? सहप्रभाविता के नियम को शो कर रहे, ये सहप्रभावी हो गए। और इनने कौन सा ब्लड ग्रुप बनाया? ए बी, रक्त समूह ए बी, और ये सहप्रभावी बन गए, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लास्ट कॉम्बिनेशन में हम ध्यान रखेंगे कि यदि एक पेरेंट से आया आई ओ, दूसरे पेरेंट से भी हमको मिला आई ओ, तो नेचुरली यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ओ। और प्रकृति कैसी हो गई? समयुग्मजी। लेकिन समयुग्मजी होते हुए भी ये कैसी है? अप्रभावी। क्यों? क्योंकि आई ओ जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा और उसका कॉम्बिनेशन ए बी या ए बी के साथ होगा तो क्या होगा नेक्स्ट, उसमें फिर वो डिसाइड होगा कि अगला ब्लड ग्रुप उसके हिसाब से होगा आई ओ के हिसाब से नहीं होगा। तो बच्चों ये वो कॉम्बिनेशन है जिनको आपको बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करना है, समय समय पर इसको प्रॉपर रिवाइज करते रहना है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थैंक यू बच्चों।